अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं आ चुका हूँ दोबारा रोड कारपेटिंग का अमल, जो के यहाँ पर क्या नाम है उसका, कैफे प्याला की तरफ जा रहा था जो रोड। अभी हम ये सूरत हाल देखने के लिए आए हैं, ये कहाँ तक हो चुका है। ये ताहिर विला की चुरंगी है शायद, इस चुरंगी तक जाना ये हो चुका है। यहाँ पर लगी हुई है मशीनें, माल निकल रहा है। जरा ये देख लें क्या पोजीशन है। ये जैसे कैफे प्याला की तरफ जाने वाला रोड है ये, और बिल्कुल कैफे प्याला आ चुका है तकरीबन थोड़ा सा आगे करके ना। ये डंपर खाली हुआ है क्या? क्या हुआ खाली हो गया क्या हुआ? थोड़ा यार नीचे नहीं आ रहा, ये माल फंसा होने की वजह से होता है। तो अभी कैसे आएगा ये नीचे? भाड़ी भाड़ी आ जाएगा। अच्छा, माल भी फंसा हुआ है, मैंने इसके लिए रोका था, मैंने बोला जा गिर जा रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझे पता नहीं फंसी हुई है ये। देखते थोड़ा सा, ये मेरे ख्याल से मशीन उतार दी गई है। ये बड़ी बड़ी मशीनें लेके आती है ये गाड़ी, बड़ी बड़ी डंपर वगैरह, ये वो ना रूलर वगैरह लेके आती है गाड़ी। जैसे अभी ये गाड़ी लेके आई हुई है, ये रूलर लेके आइए, अभी उतरेगा। एक रूलर ये रहा, ये सामने जो ना रोड है ये भी आपको नज़र आ रहा है। सही है, जिस रोड पर मैं चल रहा हूँ इसके ऊपर कारपेटिंग का अमल जारी है। ये नहीं कि बैंडर वगैरह चल रहा है, वो रोड जो बराबर वाला रोड है ना, ये जो बराबर वाला रोड है, इस रोड को भी अभी दोबारा बनाया जाएगा। यानी कि अभी इसके ऊपर बैंडर है, सही है, वेयरिंग अभी होगी। काफी डंपर तैयार पड़े हुए हैं, यहाँ कोई ट्रैफिक का मसला आ रहा है जिसकी वजह से जो है ना ये इस राउंड अबाउट को बनाना है, लेकिन ये ट्रैफिक का मसले की वजह से जो है ना आ गए। ट्रैफिक को रोका जा रहा है जिसकी वजह से ये काम हो रहा है।
से जो है ना इसको ट्रैफिक को रोक, ट्रैफिक जो है ना खलल डाल रही है। कितनी ट्रैफिक जो है ना जाम हो चुकी है इस चौक के ऊपर, और ये सिर्फ इसी वजह से कि इन्होंने काम करना है, काम की वजह से हमें रोकना पड़ेगा इनको जो है ना, रोकना पड़ेगा। मगर ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, ट्रैफिक रुकने का नाम नहीं ले रही। अब ट्रैफिक को किस तरह कंट्रोल करते हैं ये देखते हैं। ट्रैफिक जाम हो रहा है क्योंकि मेन राउंड अबाउट है, जिसकी वजह से मशीनों को काम करने में और लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा ताउन करें ताकि ये रोड बन जाए, फिर आराम से गाड़ियां चला लें, लेकिन ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। देखें ये गाड़ी खड़ी है, ये ट्रैफिक चल रही है। अब ये कहाँ से जाएगी गाड़ी, मशीन चला रहा हूं और ये जा रहा हूं मैं सीधा कैफे प्याला की तरफ। ये इसका हैंडल है, ये मैं आपकी इसको ड्राइव करूंगा। इसका ऑयल पंप नजर आ रहा है, ये बैटरी नजर आ रही है, ये फ्यूल है। अच्छा जी, ये इसका जो है ना ये मीटर है, और ये छोटा सा वो है, और इसका ये जो है ना ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, प्रेस लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये इसका हॉर्न रैब है, और ये बटन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये पता नहीं क्या क्या फंक्शन करते हैं। इंजन है, स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है, ऑन ऑफ, ऑटो स्टॉप ऑफ लोअर, और ये पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। मशीन पीछे भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, मेरा इंतजार कर रही है कि मैं गाड़ी आगे लेके जाऊं, तो ये पीछे से जो ना रूलर वगैरह गाड़ियां वगैरह चलाएं। तो दोस्तों आगे चलते हैं, सूरत हाल देखते हैं क्या सूरत हाल है, और इसकी रोड की पोजीशन भी, और यहां पर ट्रैफिक इतना जाम है। अभी हम आपको बताते हैं क्यों ट्रैफिक जाम है। सिर्फ और सिर्फ ये राउंड अबाउट है गुलबर्ग सुरंगी का, जिसकी वजह से गाड़ियां चारों तरफ से आ रही हैं, ट्रैफिक रुक ही नहीं रहा, जिसकी वजह से हमें मशीन रोकनी पड़ गई। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ट्रेन, कोई ट्रेन चल रही है और साइड से कोई रास्ता निकल रहा है, ट्रेन रुक जाएगी लेकिन गाड़ी नहीं रुकेगी। ये है पाकिस्तान का अलमिया। ये देखो अभी बना ही नहीं है, ये शुरू हो गए। ये भी रोड बना नहीं है, देखें शुरू हो गए, गाड़ियाँ आना शुरू हो गई है।
बंद होने की वजह से मुझे यहाँ पर जो ना ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ रहा है। चलो चलो यहाँ से वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, इजाजत चाहते हैं दोस्तों, अल्लाह हाफिज। और ये मैं मशीन चलाने लगा हूँ बिल्कुल, थोड़ा सा रोड जाम हो रहा था, इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और ये इंतजामिया को बोल रहा हूँ इसको रोको, मैंने मशीन लेके आगे जानी है। अल्लाह हाफिज।